3 दिन पहले कंडेलपुरा क्षेत्र में चाकू मारने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। कंडेलपुरा में 3 दिन पहले एक युवक की हत्या और एक अन्य युवक को चाकू मारकर आरोपी फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि वारदात पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस ने आरोपी साहिल से घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। दरअसल मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कंडेलपुरा में चली आ रही पुरानी रंजिश में आंखों की घुराघारी में आरोपी साहिल सरदले ने यश और उसके दोस्त साहिल वर्मा पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों ही युवकों को उपचार के लिए एमवा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां साहिल वर्मा की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। वहीं शव का पीएम कराया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। मुख्य सूचना पर पुलिस ने आरोपी साहिल सरदले को जूना रिलसाला से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से हत्या में इस्तेमाल धारदार चाकू भी मिला है। बताया जा रहा है कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जहां एक दूसरे को देखकर घुराघारी में मामूली विवाद के चलते एक मासूम की जान चली गई। वहीं यश का उपचार जारी है, अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 2 दिन पहले एक चाकूबाजी घटना घटी थी, उसमें 2 जनों को चाकू लगी थी, उसमें एक की मृत्यु हो गई थी। तो आरोपी फरार हो गया था उस रोज घटना करने के बाद। उसको कल उसके मामा के घर जबरन कॉलोनी से गिरफ्तार किया। उस घटना में इस्तेमाल चाकू भी वहीं से उसके कब्जे से बरामद की गई। सर क्या कारण बताया आरोपी ने? आरोपी का और जो मृतकों का आपस में 1 महीने पहले पाउच खाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी के दौरान मुझे उनका रंजिश चल रही थी और घटना वाले दिनांक वो आपस में एक दूसरे को घूरने की बात को लेकर चाकूबाजी हुई।